दोस्तों वेलकम है एक बार आपका फिर से दोपहर फूड्स में। आज हम बनाएंगे स्पेनिश जूसी रोस्टेड चिकन, वो भी ओवन में। आइए देखें इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या इन्ग्रीडियंट इनमें ऐड करते हैं। दोस्तों रेसिपी बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो सो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों सबसे पहले हमारे घर पर बना हुआ होममेड ओवन, और अब सबसे पहले इसमें लकड़ियाँ जलाएँगे। करीब एक घंटे तक लकड़ियाँ जब हमारी जल के अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसके बाद में ही चिकन फुल साइज़ जो आगे आप वीडियो में देखोगे इनमें हम रखेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों लकड़ियाँ हमने हम जला ली है, और करीब 40 से 45 मिनट में जब ये जल के तैयार हो जाएगी, इतने टाइम हम हमारी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे 3 फुल साइज चिकन लिए। ये देखिए दोस्तों एक चिकन करीब 1 kg के बराबर की, और साथ में 1 kg चिकन कलेजी भी लिए साथ में। ये देखिए दोस्तों एक चिकन का वेट करीब 1 kg के बराबर, और आगे आप वीडियो में देखोगे कि कैसे मसाले इनमें हम ऐड करते हैं। बिल्कुल फ्रेश कलेजी ही। और दोस्तों कुछ मीडियम साइज़ के प्याज है, टमाटर है 4 से 5 पीस, साथ में नींबू भी लिए हमने 3 से 4 पीस, और तीखी हरी मिर्च करीब 15 से 20 पीस। अब इनको हम कट करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी है, उनको भी आप फॉलो कीजिए, वहाँ भी हम नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों वेजिटेबल सब हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया, और अब हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे, तो उसके लिए हम मसाले तैयार करेंगे। और मसाले तैयार करने से पहले चिकन के कट लगाएंगे ताकि मसाले अच्छे से इनमें अंदर तक मसाले मैरिनेशन हो जाए। और दोस्तों ये रेसिपी इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक विदेशी रेसिपी है। अगर आपके घर पे ओवन है तो आप भी बिल्कुल ये वीडियो देख के ऐसी रेसिपी तैयार कीजिए, खाने में बड़ी टेस्टी और स्वादिष्ट है। दोस्तों यकीन मानिए आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपका, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। अब तीनों चिकन पे हमने अच्छे से कट लगा लिया, अब एक बड़ा बोल लेंगे, और सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। चाहो तो आप रिफाइनरी तेल भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। साथ में हमने लिए यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा अदरक भी मिक्स किया इनमें। अब इनको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक एक करके जो 3 फुल साइज चिकन हमारे पास है उनमें अच्छे से मैरिनेशन कर लेंगे ताकि मसाले अंदर तक जाए। और दोस्तों ओवन हमारा तैयार हो रहा है, वहाँ भी लकड़ियाँ करीब करीब जल के तैयार हो चुकी है। अब हम एक एक करके तीनों चिकन में मसाले अच्छे से मैरिनेशन कर लेंगे और अंदर तक लगाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से तैयार हो जाए। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है
तो आप मसाले लगा के चिकन को करीब 3 से 4 घंटे तक अगर आप फ्रीज करोगे, फिर उनको ओवन में रखोगे या फ्राई करोगे, तो यकीन मानिए टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर रखिए। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये देखिए दोस्तों, तीनों चिकन हमारी तैयार है। अब जो चिकन कलेजी, उनको भी हम मिक्स कर लेंगे, साथ में जो वेजिटेबल हमने कट किए थे वो भी इनमें ऐड करके उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अब यूज़ करेंगे हम दही, क्योंकि जब जूसी चिकन हमारा तैयार होगा वो दही से ही तैयार होगा। चाहो तो आप दही को स्किप कर सकते हो। अब थोड़ा तेल और यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों मसाले कितनी क्वांटिटी में लिए डिपेंड करता है आपके चिकन पे। ये देखिए दोस्तों, अब इनको हम फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्ज़ी और कलेजी में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके तीनों चिकन जो इनके पेट साइड में, उनमें हम इनको भर लेंगे। बाकी आप आगे वीडियो में देखोगे ट्रे में रख के। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रे ले ली हमने जो हमारे ओवन में अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहले आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए पेंदे में और उनको अच्छे से कोट कर लीजिए। और एक एक करके तीनों चिकन हम इनमें रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया साइड में ऐसे वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर यूरोप कंट्री और अमेरिका साइड में ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ की ये फेवरेट डिशेस होती है। और जो सब्ज़ी हमने अच्छे से कोट किया था उनको भी थोड़ा थोड़ा करके रख लेंगे। ये देखिए पूरी ट्रे हमारी अच्छे से भर चुकी है। और दोस्तों नींबू हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक कट करके रखे थे, चाहो तो आप नींबू का जूस भी इनमें ऐड कर सकते हो। और जब ये बनके तैयार होगी तो आप इनको चिकन 65, उससे भी कंपेयर करोगे तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। अब हम इनको ओवन में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, ओवन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अब कोयले को हम लोग ने साइड पे कर दिया था, तो तीनों तरफ कोयले साइड में करके अब ये ट्रे इनके बीच में रख देंगे और करीब 1 घंटे तक पहले हम इनको पकाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म है दोस्तों, यहाँ मैंने रिस्क लिया था, हैंड ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब ओवन को कर देंगे बंद और करीब 1 घंटे बाद में चेक करेंगे कि हमारा चिकन अच्छे से बॉयल हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए करीब दोस्तों 1 घंटे बाद में हम चेक करेंगे। ओहो, खुशबू बड़ी शानदार आ रही है दोस्तों, यकीन मानिए बिल्कुल मसाले पकने जैसी खुशबू आ रही है। अब थोड़ा हम कट करके देखेंगे चिकन को। और दोस्तों चिकन तो बिल्कुल भुना जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको आधा घंटा तक और इनको आधा घंटा तक और वेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, करीब आधा घंटे बाद में यहाँ पे हमारा चिकन परफेक्ट तैयार हो चुका है। अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों अब कपड़े की मदद से हम ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ हैंड ग्लव्स ज़रूर पहने। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है दोस्तों,
अब बताएंगे हमारी रेसिपी कैसी है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जूसी टाइप रोस्टेड चिकन हमारी तैयार है और बिल्कुल ये अच्छे से भुने जा चुके हैं। यकीन माने जब ऑयल में फ्राई करते हैं या बारबेक्यू बनाते हैं उससे भी अच्छे से ये तैयार हुए हैं। और सबसे ख़ास बात है जो इनका मसाला है, जब आप इनको प्लेट में सर्व करोगे तो थोड़ा मसाले के साथ में इनको रखिए पीस, और आप इनको नान, चपाती, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।